तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में, अ क्वेश्चन विच कम्स विद अ डेफिनेटिव प्रिज्यूम्ड आंसर नो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आज एक क्वेश्चन को ही एनालाइज करते करते अपन बहुत कुछ सीख लेंगे और यहाँ पे कुछ हमारे जो बायस होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। सो द क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल, इज इट पॉसिबल टू ज्वाइन अ फुल टाइम प्रोग्राम इन आईटी सर्विसेज और एसोसिएट रोल्स आफ्टर क्लास 12th? आप लोग बोलोगे यार हमने ऐसा कभी होते हुए देखा ही नहीं है। हमने हमेशा देखा है कि यार कोई बंदा या बंदी क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद किसी जॉब में ज्वाइन करते हैं, या फिर कभी कभी ग्रेजुएशन के बाद उनको मास्टर्स करना पड़ता है, उनके बाद उनकी जॉब लगती है। ये एक कन्वेंशनल नोशन है जो कि ऑलमोस्ट 99% लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आप लोग को बोलूं इसके अलावा भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा ऑप्शन? अगर मैं आप लोग को बोलूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट स्ट्रेट आफ्टर क्लास 12 यू कैन ज्वाइन एंट्री लेवल आईटी सर्विसेज एंड एसोसिएट जॉब रोल्स फुल टाइम, मैं पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फुल टाइम की बात कर रहा हूं, विथ इवन फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो आप लोग बोलोगे कि यार अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, कंपनी हमको फॉर्मल ट्रेनिंग भी दे रही है, हमको अपग्रेड भी कर रही है और उसके साथ साथ हमें प्लेसमेंट भी दे रही है, ये कहां होता है यार। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। आज से कुछ 6-7 महीने पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक लिंक भेजा था क्लेमिंग दैट दिस लिंक इज फॉर अ फुल टाइम जॉब प्रोग्राम जिसमें आप ज्वाइन करते हो स्ट्रेट आफ्टर क्लास 12th। मैंने बोला यार क्या मजाक कर रहे हो क्लास 12th के बाद, क्योंकि मैंने भी ऐसे कभी एग्जांपल्स देखे नहीं थे कि यार कोई बंदा क्लास 12th के बाद ही सीधा एक आईटी सर्विस फर्म में वो घुस जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उसको बोला यार पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब चीजें आपको ट्रैप करने के लिए होती है, ये सब में आप बिलीव मत करो। फ्लैशबैक, ठीक है, उसके कुछ साल पहले भी मुझे एक लिंक आ चुका था, तब भी मैंने सेम चीज करके रखा था। बट आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले मेरे एक रिलेटिव ने भी मुझे HCL TechBee अर्लियर करियर प्रोग्राम का एक लिंक भेजा और मुझे बोला कि यार इसको एक बार यार देख लो। मैंने उस लिंक को क्लिक किया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि यार नहीं यार जो मुझे पहले भी लिंक्स आए थे वो काफ़ी ऑथेंटिक थे और जो मैं सोच रहा था कि यार पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती क्लास 12th के बाद किसी फर्म के साथ जुड़ना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ मिथ। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, वॉट इज HCL TechBee अर्ली करियर प्रोग्राम? आज इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। HCL TechBee अर्ली करियर प्रोग्राम इज बेसिकली एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम इन विच यू ज्वाइन आफ्टर योर क्लास 12th और उसके बाद आपको एक साल यानी कि 12 महीने की फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है जिसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसमें अपने आपको अपग्रेड कर रहे हो, लेकिन अपग्रेड करने के साथ साथ भी आपको आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है। और आपका जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है एक साल बाद आपको सीधा सीधा ज्वाइनिंग मिलता है, कहां पे? उसी कंपनी में, HCL में। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे यार अच्छा ठीक है यार, लेकिन अगर हमको काम करते करते अपने आपको और अपग्रेड करना है, सो HCL TechBee अर्ली करियर प्रोग्राम के साथ अभी 3 ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स भी लाइन में है कि यार आप वहां पे काम करते करते वहां पे अपनी हायर एजुकेशन भी कर सको। ऐसे कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, बिट्स पिलानी, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बिट्स पिलानी इज अनडाउटेडली इंडियाज नूमेरो उनो प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। आप वहां पे अगर HCL TechBee के साथ काम करो, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि आप वहां से अपनी हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सको। सेकेंड, शास्त्रा यूनिवर्सिटी, बहुत से लोगों ने सुना है साउथ में शास्त्रा यूनिवर्सिटी के बारे में, इट इज ऑल्सो अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। और उसके साथ साथ एमिटी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी बहुत से लोगों ने सुनकर रखा है। सो यू हैव अ चांस कि आप काम करते साथ, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है लेकिन तब भी आपको वहां मौका मिला काम करने का, और उसके साथ साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द HCL TechBee अर्ली करियर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके बारे में अभी और थोड़े मिथ जो है उनको अपन
तोड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहला मिथ जो लोगों को लगता है इसके बारे में वो ये है कि आप कमाना कब चालू करते हो, आप सीधा घुस गए ट्रेनिंग पीरियड में तो आप नहीं कमाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो एक साल की ट्रेनिंग है शुरुआत में, उसके बाद जब आपकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी HCL में, उस एक साल में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। सो यू सी दैट कि एक विन विन सिनेरियो है आपके लिए कि आप अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ HCL TechBee अर्ली करियर प्रोग्राम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हो इन दीज थ्री यूनिवर्सिटीज, कौन से तीन यूनिवर्सिटीज, बिट्स पिलानी, शास्त्रा यूनिवर्सिटी और योर एमिटी यूनिवर्सिटी, तो क्या आपको अपनी पूरी फीस भरनी पड़ती है खुद के द्वारा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑप्ट करते हो यहाँ पे हायर एजुकेशन के ग्रेजुएशन के लिए, आपकी यहाँ पे पार्शियली फीस रीइंबर्स HCL खुद करता है, और यहाँ पे जो रीइंबर्समेंट है आपको वो मिलता है, और फिर आप अपनी फीस भरते हो। जो आपका रीइंबर्समेंट हो रहा है वो इस कंडीशन में हो रहा है कि आप अपने पिछले सेमेस्टर के जितने भी रिक्वायरमेंट हैं सब क्लियर कर रहे हो, और ये सेमेस्टर टू सेमेस्टर बेसिस में आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि एक साल का एक बार मिल गया, हर सेमेस्टर की रीइंबर्समेंट आपको मिलते रहेगी, लेकिन प्रोवाइडेड आपने पिछले सेमेस्टर के जितने भी रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो आपने फुलफिल किया है। ये बात होगी ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात अगर करते हैं अपन, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में सर्टेन लेवल ऑफ CGPA या फिर CPI आप जो भी बोलते हो, अगर उतना आपका फुलफिल हो जा रहा है तो आपका पार्शियल रीइंबर्समेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यूनिवर्सिटीज में कैरी आउट किया जाता है, ठीक है? तो आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एड हेल्प आप कैरी आउट कर सकते हो इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन बोथ HCL TechBee and your graduation. The candidates will be only entitled to the higher education program in these three institutes after a successful completion of their training tenure and also a successful deployment at HCL. लेकिन अगर मैं बात करूँ remuneration program की, आप जब वहाँ पे full time hire हो जाते हो एक साल के training के बाद, you will be paid 1.7 LPA to 2.2 LPA INR, जो कि आपको sustain करने के लिए enough है, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको advantages गिनाए, that is going to surely add a lot of value to that. लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जिन लोग सोचते हो कि यार आज से 5 साल बाद 6 साल बाद हम अपने आप को एक IT रोल में देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो अचीव करने के लिए अगर आपके पास वो संसाधन नहीं है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है? पिछले 5 सालों में जब से 2016 में ये चीज चालू हुई है, 3000 से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट ले चुके हैं, एंड हु नोस, क्या पता आपको भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस चीज का लिंक देके रखा है, आपको चेकआउट पक्का करना है। उसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया सारे कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, मगर आप सबकी प्लेसमेंट उन HCL के सेंटर्स में लगेगी जहां HCL सबसे ज्यादा डिलीवर करता है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा, लखनऊ, मदुरई, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, बैंगलोर या फिर हैदराबाद जैसे शहरों में। आप में जितने भी लोग के पास मींस नहीं है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, दिस HCL TechBee प्रोग्राम इज लिंक्ड टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, इसीलिए जितने भी फाइनल डिटेल्स है जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन कट ऑफ, ये सब टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, इसीलिए वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना। सारे चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंट कमेंट में मिल जाएंगे, प्लीज काइंडली डू चेक इट आउट और मुझे बताना कि यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।